नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारो यूट्यूब चैनल नी अंदर। धोरण 10 नी अंदर हिंदी विषय में पाठ बीजो आवे छे बूढ़ी काकी। आ पाठ नो प्रकार छे गद्य अने पाठ आपेलो छे प्रेमचंद। आ स्वाध्याय पोथी ना जे कई अलग अलग प्रश्न जवाब छे जेमां नाना मोटा दरेक प्रश्न जवाब नी आपणे चर्चा करवाना छे। तो विडियो अंत सुधी जोजो, विडियो गमे तो लाइक करजो, तमारा मित्र पण विडियो शेर करजो। साथे चेनलमां घणा बधा विडियो मुकाई गया छे, जोवा होय तो उपर विडियो सेक्शननी बाजुमां प्लेलिस्ट छे, प्लेलिस्टमां नीचे धोरण 10 नो स्वाध्याय पोथीनो प्लेलिस्ट अलग जोवा मळशे। एमां घणा बधा विडियो मुकाई गया छे, त्यांथी सरळताथी तमने मळी जाय, बराबर ने। तो विडियोनी शरूआत करीए जेमां नाना मोटा दरेक प्रश्न जवाबनी चर्चा करवानी छे। विभाग ए मां गद्य आधारित प्रश्ननो जवाब छे, बराबर। पहलो छे सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जेमा पहलू बुढ़ी काकी में खाली जगह की चेष्टा शेष बची थी, तो जवाब में शू स्वाद। बीजू बुद्धिराम बुढ़ी काकी का खाली जगह था, तो जवाब में शू भतीजा। तीजू बुढ़ापा खाली जगह रोग का अंतिम समय है, तो जवाब में शू तृष्णा। चौथू खाली जगह ने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी, जवाब में आवश्यक लाडली। पांचमू बुढ़ी काकी को खाली जगह की सुगंध बेचैन कर रही थी, तो जवाब में शू घी और मसालो। बीजो प्रश्न सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए, जेमा पहलू बुद्धिराम के घर पुड़िया बन रही थी क्योंकि, तो एना जवाब में शू आ जवाब में ऑप्शन आ लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था। बीजो घी और मसालों की सुगंध ने खाली जगह, जवाब में शू बुढ़ी काकी को बेचैन कर दिया था, तो जवाब में ब ऑप्शन आवश्यक। तीजा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू छे लाडली बुढ़ी काकी को फूडिया देना चाहती थी परंतु उससे किसका डर सता रहा था, तो जवाब में शू ए ऑप्शन आ माँ का डर सता रहा था। बीजू बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी, तो जवाब में आवश्यक सुरक्षा का कवच थी, जवाब में बी ऑप्शन। तीजू लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का स्वाभाविक रूप से क्या होता है, जवाब में आवश्यक विद्वेष, जवाब में डी ऑप्शन। चौथा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जिसमें पहलू बुद्धिराम के बेटे के तिलक में क्या क्या बन रहा था, तो जवाब में आवश्यक बुद्धिराम के बेटे के तिलक में पुड़िया कचौड़िया तथा मसालेदार सब्जियां बन रही थी। बीजू बुढ़ी काकी कड्डा के पास कैसे पहुंची, जवाब है बुढ़ी काकी को घी और मसालों के सुगंध बेचैन कर रही थी, वे रेंगते रेंगते कड्डा के पास पहुंच गई थी। त्रीजू काकी पर क्रोध आने पर बुद्धिराम ने क्या किया, जवाब है काकी पर क्रोध आने पर वह लपक कर आता है और बुढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में पटक आता है। चौथू लेखक ने बुढ़ापे को क्या कहा है, जवाब में आवश्यक लेखक ने बुढ़ापे को तृष्णा रोग का अंतिम समय कहा है। पांचमू बुढ़ी काकी कैसे रोती थी, जवाब है बुढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। छठू बुद्धिराम के घर पर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी, तो जवाब है बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था, इसलिए बुद्धिराम के घर पुड़िया बन रही थी। सातमू बुढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई, जवाब है बुढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। आठमू किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी, जवाब है काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। नवमू उत्सव के दिन बुढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी, जवाब से उत्सव के दिन अपशुकन के डर से काकी नहीं रो रही थी। दसवां बुढ़ापे में बुढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी, जवाब से बुढ़ापे में बुढ़ी काकी की समस्त इंद्रियों का केंद्र स्वादेंद्रिय थी। पांचवा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए, जेमा पहला प्रश्न बुढ़ी काकी कब रोती थी, जवाब से बुढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी, जब घरवाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते उनके भोजन का समय टल जाता था,
भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी। बीजा प्रश्न, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? जवाब छे, लड़के जब तब बूढ़ी काकी को सताया करते थे। लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काट कर भागता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। त्रीजो प्रश्न छे, बूढ़ी काकी की कल्पना में फूडियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? जवाब छे, बूढ़ी काकी को फूडियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम फूडियों की तस्वीर नाचने लगी। चौथा प्रश्न, थाली में भोजन सजा कर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? जवाब छे, बूढ़ी काकी को झूठे पतलों से फूडियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत ग्लानि हुई। उसने थाली में भोजन सजा कर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। पांचवा प्रश्न, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? जवाब, बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्ज भाग दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। जवाब, पहलू, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों? जवाब छे, रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को फूडिया कचौड़िया तथा मसालेदार सब्जियां परोसी गई थी। सब खा पी कर सो गए पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी झूठे पतलों से चुन चुन कर फूडियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने यह कैसा बर्ताव किया। बीजा प्रश्न, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया और क्यों? जवाब छे, रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में फूडिया कचौड़िया निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कड़ाह के पास पहुंच गई थी। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी थी और उनसे काकी को दोनों हाथ झटक कर उनको बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमान तब तक भोजन कर रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोध से तिलमिला गया था। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन दो अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। त्रीजो प्रश्न, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मसूम्बे बंधे? जवाब छे, बूढ़ी काकी की कल्पना में फूडियों की तस्वीर नाच रही थी। फूडिया लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मसूम्बे बांधे थे। वे कहती, पहले सब्जी से फूडिया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। वे कहती, चाहे कोई बुरा माने या चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएंगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं है, कहाँ कहे लोग। इतने दिन के बाद फूडिया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मसूम्बे बंधे थे। चौथा प्रश्न, बुढ़ापा तृष्ण रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? जवाब छे, अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उन
उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्षी बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे कुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मैं पहला प्रश्न है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। तो जवाब आवश्यक, कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर होता है हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा निच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। बीजा प्रश्न, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। जवाब छे, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कितने का वे प्रयास करते हैं फंसने का वे प्रयास करते हैं। जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नई ढंग की होती है, इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बुढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। त्यार बाद विभाग सी आवे छे, व्याकरण आधारित प्रश्नों जवाबों। जेमां पहलो प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू छे जीभ का स्वाद, तेने जवाबमां आवशे रसास्वाद। बीजू जहाँ घटना घटी है वह जगह, एने कहेवाय घटना स्थल। त्रीजू भूख से आतुर, एने कहेवाय क्षुधातुर। त्रीजू चौथू धीरज की परीक्षा लेने वाली, एने कहेवाय धैर्य परीक्षक। पांचमू देवताओं का निवास स्थान, एने जवाबमां आवे स्वर्ग। छठू दुबारा आना, एने कहेवाय पुनरागमन। सातमू निराशा से भरा हुआ, एमां जवाबमां आवे निराशामय। बीजो प्रश्न, निम्नलिखित संधि को छोड़िए। संधि छोड़वानी छे, स्वार्थानुकूलता तो स्वार्थ होता अनुकूलता, सम्मुख तो सम होता मुख, प्रतीक्षा प्रतिवता इच्छा, दुर्गति दुष्वता गति, यद्यपि यद्यवता अपि, निर्णय निस्वता नहीं। त्रीजा प्रश्न, निम्नलिखित संधि को जोड़िए। सवतानुभूति सहानुभूति, विवता कुल व्याकुल, सत्वता जन सज्जन, अर्धवता अंगिनी अर्धांगिनी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू सब्ज बाग दिखाना, बड़े बड़े झूठे वादे करना। वाक्य एनो थे, लोगों को ठगने वाले धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। बीजू आपे से बाहर होना, नो मतलब था अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य छे, पुत्र की स्कूल में अनुपस्थिति देखकर पिताजी आपसे बाहर हो गए। त्रीजू उबल पड़ना, मतलब क्रोधित होना। वाक्य छे, नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उस पर उबल पड़े। चौथू छाती पर सवार होना, मतलब था सामने अड़े रहना। वाक्य छे, उसका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया है। पांचवा नाक कटवाना, मतलब था इज्जत खोना। वाक्य छे, अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। छठू बेसिर पैर की बात, जवाब था से असंबंध बात। वाक्य छे, महेश की बात में आदि होता है न अंत, वह हमेशा बेसिर पैर की बात ही करता है। सातमू हृदय सन रह जाना, जवाब था से घोर आश्चर्य में डूब जाना। वाक्य था से बूढ़ी काकी को झूठी पतलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन रह गया। आठवूं मुंह बाए फिरना, मतलब था बेकार की हालत में घूमना।
वाक्य था स्नातक होने के बाद भी वह कुछ काम धंधा नहीं करता है, मुंह आए फिरता है। नौमो कलेजे में ऊंकसी उठना, जवाब था मन में दुख होना। वाक्य से पड़ोसी की पुत्री की करा सुनकर समूह चाचा के कलेजे में ऊंकसी उठी। दसमु रोटियों के लाले पड़ना, जवाब था रोटियों के लिए बहुत तरसना। वाक्य था अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। अगर मुझे आग हो जाना, मतलब क्या अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य से मेहमानों से पहले खाने चली आई बूढ़ी काकी को देख रूपा आग हो गई। बारमु जवाब दे चुकना, मतलब था निष्क्रिय होना अथवा तो छोड़ देना। वाक्य से बूढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। तेरमु कलेजा पसीजना, मतलब था दया आना। वाक्य से बूढ़ी काकी को झूठी पतलों से पुड़ियों के टुकड़े खाती हुई देख कर रूपा का कलेजा पीस गया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो विरोधी शब्द जो है अनुराग नु विराग, निर्दाहार नु अल्पाहार, निर्जलता नु लज्जत, अपरिमित नु परिमित, प्रतिकूल नु अनुकूल, सज्जन नु दुर्जन, सुलभ नु दुर्लभ, अपशकुन नु शुभकन, मजेदार नु बेमजा, मेहमान नु यजमान। छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो मैं जो ये पर्यायवाची शब्द दीनता नु दरिद्रता, वाटिका नु उद्यान, स्वादिष्ट नु जायकेदार, क्षुद्धा नु भूख, उद्विग्न नु चिंतित, तृष्णा नु प्यास के लोभ। सातवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा जोवानी, गलत नु गलती, बेचैन नु बेचैनी, बुढ़ा नु बुढ़ापा, कठिन नु कठिनाई, शिशकना नु शिशकी, प्रसिद्ध नु प्रसिद्धि, झुझलान नु झुझलाहट, उत्तेजित नु उत्तेजना, झूठा नु झूठन, गुदगुदान नु गुदगुदी। त्यारबाद प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। तो सहनाई नु सहनाई वादक, धुलाई नु धोबी, लेखन नु लेखक, रक्षा नु रक्षक, बजाना नु बजैया, निर्णय नु निर्णायक। छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए। मजा नु मजेदार, अमानुष नु अमानुषिक, कल्पना नु काल्पनिक, कमजोरी नु कमजोरिया, लुभाना नु लुभावना, उड़ाना नु उड़ाव। दसवां प्रश्न, निम्नलिखित समास को पहचानिए। तो समास जोइए, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास, आजीवन अव्ययी भाव समास, पुडी कचोड़ी द्वंद्व समास, बुद्धिहीन तत्पुरुष समास, निष्प्राण बहुव्रीहि समास, गंगन मंडल कर्मधारय समास, क्षुधातुर कर्मधारय समास, सदिच्छा ए कर्मधारय समास, क्षुधावर्धक उपपद समास, रसास्वादन संबंध तत्पुरुष समास, सब्जबाग कर्मधारय समास, स्वादेन्द्रिय तत्पुरुष समास, रक्षागार तत्पुरुष समास, कंठावरुद्ध तत्पुरुष समास। तो विद्यार्थी मित्रों, आता अलग अलग स्वदे पोतेना नाना मोटा दरेक प्रश्न जवाब आपणे व्याकरण प्रश्न जोया। आथी मोस्ट टाइम प्रश्न घणा बधा छे, पूछाई शके आवनार परीक्षा माटे पण। विडियो गम्यो तो लाइक करजो, तमारा मित्र पण विडियो शेर करजो, साथे चेनलने जी सब्सक्राइब न करी तो चेनलने पहेला सब्सक्राइब कर लेजो, बाजूमां बेल आइकन छे एने क्लिक करी ऑन कर देवानो, एटले जेटला आ विडियोस मुकाय नोटिफिकेशन फ्री ऑपमां तमने मळी जाय। क्यों विडियो मुकायेलो ए तात्कालिक तमे त्यांथी जोई शको, ए फ्री ऑपमां छे। अलग अलग विडियोस जोवाथी तमारा ज्ञानमां वधारो थशे, तो आवनारी परीक्षाओनी तैयारी करता होय एना माटे पण विडियोस घणा बधा मुकाई गया छे, जोई लेजो। ऊपर विडियो सेक्शननी बाजूमां प्लेलिस्ट छे ने, प्लेलिस्टमां जशो ने नीचे तमने ધોરણ 10 ના સ્વાધ્યાય પોતેનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે। બીજા ધોરણ 10 ના અલગ અલગ વિડીયોઝ છે, બરાબર, પ્લેલિસ્ટની અંદર તમને જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ દ્વારા સરળતાથી ત્યાંથી મળી જાય, તો જોઈ લેજો અને માટે તૈયારી કરજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।